हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इंडियन लोकल फूड में। आज जो है हम दार्जिलिंग का टूर कर रहे हैं और साथ ही साथ घूम भी रहे हैं। हम आपको आज दार्जिलिंग का अलग अलग जगह स्पेशली मार्केट एरिया को हम दिखाएंगे इस वीडियो में। ये है दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन, ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। तो ये स्टीम इंजन का है, अभी भी पुराना मॉडल अभी भी चलता है और ये बहुत ही फेमस है। आपने बहुत सारे बॉलीवुड फिल्म में आपने देखा होगा शूटिंग में ये ट्रेन को, जैसे मेहूना में और बर्फी में भी। ये दार्जिलिंग तो आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है दार्जिलिंग, साथ ही साथ पहाड़ी इलाका है। तो दार्जिलिंग को क्वींस ऑफ हिल्स भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे हिल्स आपको देख पाएंगे। ये मार्केट एरिया, तो आज हम मार्केट का टूर करेंगे और बहुत अलग अलग जगह जहाँ जहाँ हम दार्जिलिंग में गए वो सभी जगह हम आपको दिखाएंगे आज के इस वीडियो में। तो आप देखते रहिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आप बहुत सारे जो लोकल मार्केट हैं यहाँ पर आज के इस वीडियो में आप देख पाएंगे। ये सब्जी मार्केट और छोटे छोटे जो चिकन है वो भी बेच रहे हैं, तो लोग इसे लेके जाके अपने घर में पालते हैं। और ये जो मार्केट, जिस मार्केट में अभी मैं हूँ, उसमें हर एक सामान आपको मिल जाएगा, जो भी आपको चाहिए घर में सब भी सामान इसमें मिलता है। बस आपको घूमना पड़ता है, खोजना पड़ता है थोड़ा सा, तो आपको सभी सामान मिल जाते हैं। फल का दुकान, जो यहाँ पर जो सब्जियाँ ज़्यादातर बिहारी लोग ज़्यादातर बेचते हैं यहाँ पर, तो जितने जो बिहार के लोग हैं वो ज़्यादातर मार्केटिंग एरिया में आपको मिलेंगे। वो जैसे सब्जी, जो भी राशन दुकान है, ज़्यादातर बिहारी लोग ही चलाते हैं यहाँ पर। जो भी नेपाली लोगों का आप मार्केट देखेंगे, जो नेपाली लोग चलाते हैं दार्जिलिंग के लोकल लोग, उन्होंने लोकल सब्जियाँ खाली बेचते हैं, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है ये जो दूसरे जो बाहर से आने वाले सब्जी से, और लोकल सब्जी थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन जो लोग ऑर्गेनिक पसंद करते हैं वो लोकल सब्जी खरीद सकते हैं थोड़ा पैसा ज़्यादा दे के, जो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो मैं आपको जो हमारे वीडियो में है इसमें दिखाऊँगी कौन से लोकल दुकान है जो लोकल सब्जियाँ बेचते हैं। तो ये सभी दुकान में पूजा का सारे सामान मिलता है, और साथ ही साथ बहुत सारे जो मसाले, जो ज़्यादातर डिपार्टमेंटल स्टोर में जो मसाले होते हैं वो बहुत अच्छे क्वालिटी का, लेकिन बहुत बड़े बड़े पैकेट में देते हैं। तो बहुत बार मुझे ज़्यादा काम नहीं होता मसालों का, तो मुझे थोड़ा क्वान्टिटी के लिए चाहिए, लेकिन मार्केट में जब भी जाता तो बड़ा पैकेट लेना पड़ता है जो वेस्ट हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, ऐसे दुकान जब होते तो मैं 10 रुपया 20 रुपया का जितना मुझे मसाले चाहिए 1 महीना 2 महीने के लिए मैं चला सकती हूँ। ख़राब भी नहीं होता है और अच्छा भी होता है, क्योंकि मैंने दार्जिलिंग के मसाले को मैंने देखा है कि बहुत ही अच्छा होता है, जो आपको डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलता है उसी तरह का क्वालिटी होता है इसमें। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई दार्जिलिंग में। तो ये सभी मेकअप के आइटम इसमें हर एक ब्रांड का मिल जाता है, इवन तो दुकान देखने में इतना ब्रांडेड नहीं है लेकिन सभी ब्रांड के सामान मिलते हैं इसमें। तो दार्जिलिंग जितने जो एरिया है वहाँ पर एक एरिया में आपको पता चल जाएगा कि ये एरिया में खास यही सामान बेचा जाता है, जैसे मेकअप का सामान या मिठाइयों का दुकान हो या कोई भी स्टेशनरी हो, तो वो एक ही जगह में होता है। यह है सुंदर सा पहाड़ दार्जिलिंग का, अगर वेदर अच्छा हो तो आप पूरा पहाड़ अच्छी तरह से देख सकते हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। बस यही है कि वेदर अच्छा होना पड़ता है।
तो दार्जिलिंग में ऐसा है कि दिन भर में एक ही वेदर नहीं रहता है, कभी पूरा क्लियर हो जाता है, फिर बारिश आ जाते हैं, फिर बादल आ जाते हैं, तो डिफरेंट वेदर आपको एक ही दिन में मिलता है। तो दार्जिलिंग में जब भी आप आएँ तो आपके पास एक स्वेटर या जैकेट और साथ ही साथ एक छाता आपको बहुत ही ज़रूरी होना है, यह आप लेके घूमना पड़ता है आपको। तो यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, ज़्यादातर टी स्टेट में काम करते हैं लोग, तो बहुत सारे जो आपको मेहनती लोग आपको देखने मिलेंगे। यहाँ के लोग ऐसे बैठते नहीं रहते, औरत हो या मर्द हो सभी काम करते रहते हैं। तो यहाँ पर किसी का भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर काम का एक रिस्पेक्ट होता है यहाँ पर। आप देख सकते हैं दार्जिलिंग बहुत ही मिस्टी एरिया है, बहुत फॉगी है। यह है चिप्स का दुकान, जो हॉट चिप्स होता है, चिप्स या चना भुजिया सब मिल जाएगा, सब गरम गरम बना के देते हैं। तो आपको 10 रुपये में भी, अगर आपको सिर्फ थोड़ा खाना है तो 10 रुपये में भी आपको मिल जाता है। यह गुम्बा, यह है बुद्धिस्ट मोनास्ट्री या बुद्धिस्ट लोगों का मंदिर। यह मेन रोड दार्जिलिंग का, इस मेन रोड से गाड़ी भी मिल जाता है अलग अलग जगह में जाने के लिए या मार्केट का अंदर। तो ये मेन रोड है, इसमें सभी जगह में लोग जा सकते हैं, सभी तरफ से। तो ये रोड बहुत ही भीड़ होता है, बहुत ही घचाघच होता है, तो कभी कभी चलने के लिए भी बहुत ही मुश्किल होता है इसमें। आप देख सकते हैं बहुत ही मेहनत करते हैं लोग, बहुत सारे जो बोझा उठाने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा है, अगर वो ना होते तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दार्जिलिंग का एरिया पहाड़ी इलाका है, तो लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदते तो ऐसे लोगों का बहुत ही ज़रूरत होता है, तो उन लोगों की वजह से वो सामान सही सही जगह में पहुँच जाता है। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर रोड में गाड़ी नहीं चल पाता, क्योंकि हिली एरिया होने की वजह से, और साथ ही साथ बारिश के दिनों में सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो ऐसे लोग ही जो है जो सामान को पहुंचा देते हैं जहां जहां पहुंचना पड़ता है। ये छुरपी का दुकान, हम लोग पूछ रहे थे छुरपी का कितना दाम, तो वो बोल रही थी एक छुरपी का 5 रुपया, तो बोल रही कि छुरपी का दाम सोना का बराबर है, तो क्योंकि छुरपी बहुत ही फेमस हो चुका है, सभी लोग पसंद करते हैं, तो पहले कम था लेकिन ये कुछ ही सालों में बहुत ही इसका प्राइस बढ़ चुका है। तो मैं यहाँ लोकल होके भी छुरपी खाने के लिए मुझे 10 बार सोचना पड़ता है। तो दार्जिलिंग का रोड, यहाँ से गाड़ी मिलता है, सिंडिकेट एरिया कहा जाता है, इसमें सुमो हर एक एरिया में जाने, इवन अगर आपको रिटर्न जाना है दार्जिलिंग से तो यही एरिया में मिल जाता है। ये छोटा सा दुकान, इसमें आपको बैम्बू सूट, जो दूध गाय का दूध, जो भी लोकल सामान है मिल जाएगा। तो ये सिंडिकेट एरिया है, ये बहुत ही रश होता है, इसमें कोई भी रूल नहीं होता है ट्रैफिक का, कभी भी निकल सकते हैं गाड़ी कहाँ से भी, सो बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। ये सेंट पॉल कॉलेज, आप सभी को याद होगा मेहुना और बर्फी का शूटिंग में मेजोरिटी इस कॉलेज में हुआ है। ये बुद्धिस्ट लोग बच्चे जो बुद्धिस्ट में छोटे से भेज देते हैं। ये चौरास्ता का एरिया, तो आप देख सकते हैं वो पूरा प्रैक्टिस कर रहे कुत्ते कैसे करना है। तो आपको याद होगा ये बर्फी की जो शूटिंग के लास्ट वाला जो शूटिंग होता है, जहाँ पर प्रियंका चोपड़ा खिड़की से देखती है और बर्फी रुक जाता है, यही वही जगह है। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है ये कॉलेज में जाने के लिए और मैं बहुत ही खुश हूँ वो जगह को देख के। और बाहर के लोगों को बिल्कुल अलाउ नहीं है जाने में, सिर्फ कुछ स्पोर्ट डे या इंडिपेंडेंस डे में ही लोग जा सकते हैं। तो हमारे कुछ दोस्त थे, उनके वजह से हमने रिक्वेस्ट करके वहाँ पर जाने का हमें मौका मिला। तो आप देख सकते हैं इवन तो ट्रैफिक पुलिस है लेकिन बहुत रश है ये जगह। तो अगर आपको भी दार्जिलिंग में, तो बहुत केयरफुली चले, इवन दो दार्जिलिंग के लोग बहुत ही समझदार भी है, अगर कोई लोग आ रहे हैं तो वो हिट करके नहीं जाते, वो रुकते हैं, थोड़ा गुस्सा करते हैं लेकिन उतना लोग हार्श टाइप के नहीं होते, क्योंकि रास्ता छोटा होने की वजह से हर कोई एडजस्ट करता है दार्जिलिंग में। तो मैं जब गुवाहाटी में थी तो रास्ते बहुत बड़े बड़े थे, तो जब दार्जिलिंग में आए तो मेरे लिए शौक था क्योंकि रास्ते बहुत छोटे हैं, तो लेकिन ड्राइवर लोग बहुत ही समझदार हैं यहाँ पर, उन लोग बहुत ही ध्यान से चलाते हैं। यही मीट, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग मीट पैकेट में नहीं, जो डिपार्टमेंटल स्टोर में वहाँ से नहीं खाते हैं, फ्रेश लेके आते हैं उसी को खाते हैं। ये है बफ का मीट। ये चौरास्ता एक बहुत ही फन जगह है, वहाँ पर लोग जाते हैं बैठे और नाना प्रकार का जो प्रोग्राम होता है, कल्चरल प्रेजेंटेशन होता है, तो चौरास्ता में एक तरह का बहुत ही, अगर आप
कुछ कल्चर देखना चाहते हैं तो चौरस्ता में आप जा सकते हैं, लेकिन आपका दिन अच्छा होना पड़ता है क्योंकि हर दिन अनएक्सपेक्टेड कुछ भी आ जाता है वहाँ पर। तो कभी कोई स्पोर्ट होता है, कभी कुछ डांस प्रोग्राम होता है। और दार्जिलिंग में आए मोमो ना खाए तो ये इम्पॉसिबल है। मेरे अपने पहले वीडियो में भी देखा हमने मोमो कौन सी दुकान में खाया और कितना टेस्टी है, प्राइस भी हमने बताया है, आप हमारे दूसरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये हमारे फ्रेंड हैं जो बाहर से आए दार्जिलिंग को घूमने के लिए और साथ साथ हम भी उसके साथ घूमे हैं। यह चौरस्ता आप देख सकते हैं, ये एक तरह का लोकल कल्चर है, डांस है, मुझे भी नहीं पता। और चौरस्ता में ज़्यादातर टूरिस्ट लोग आप बहुत मिल जाएंगे, शायद आपके अपने पड़ोसी भी हो सकते हैं चौरस्ता में, इतने सारे टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं। ये है म्यूजिक क्लास, मैं यहाँ पर वायलिन सीख रही हूँ फिलहाल और मेरे टीचर है साइड में, सो वो पियानो भी सिखाती है, एक स्टूडेंट को पियानो सिखा रही है। ये वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक क्लास है दार्जिलिंग में। अभी जो है दशहरा का समय है तो आप हर जगह में जो है फूल सभी प्रकार के पूजा का सामान आपको मिलेगा और मिठाइयाँ तो इतनी वैरायटीज के बेच रहे हैं कि देख के खाने का दिल हो रहा है, लेकिन मैं अभी अपना थोड़ा मिठाई कंट्रोल कर रही हूँ, लेकिन देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देख सकते हैं आप दार्जिलिंग टी स्टेट, इसको टी वैली बोलते हैं या हैप्पी वैली भी बोलते हैं। ये जो मेन दार्जिलिंग का वन ऑफ द एक्सपेंसिव टी यहाँ पर बनाया जाता है, तो ये यहाँ पर फैक्ट्री भी है जहाँ पर टी को जो चाय की पत्तियाँ है उसे प्रोसेस करके बाजार में मार्केट में बेचा जाता है। और ये गवर्नमेंट कॉलेज है दार्जिलिंग का। बाजार में अगर खरीदने भी ना जाए, अगर आप ऐसे घूमते रहे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। प्राइस में ज़्यादातर प्राइस पूछती रहती हूँ, थोड़ा बार्गेनिंग भी करती हूँ क्योंकि दार्जिलिंग में अगर आप बार्गेनिंग करने जानेंगे तो आपको बेस्ट से बेस्ट सामान बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादा भी मत कीजिए, सभी मेहनत करते हैं तो हमें उनका भी जो कमाना है वो भी देना पड़ता है। तो हम फिर से हैप्पी वैली में जा रहे हैं, आप देख सकते पूरे चाय पत्ती के बागान। ये जो दुकान है इसमें सभी सामान मिलते हैं, जैसे कुछ भी अगर आपको केमिकल का सामान चाहिए, कुछ नेचुरल हर्ब, वो सभी सामान इस दुकान में मिल जाता है। तो ये जो एरिया है ज़्यादातर जो सामान हम ज़्यादातर खोजते हैं अपने घर के ग्रोसरी में, ये एरिया में सभी मिल जाता है। जैसे कपड़ा हो, मीटर का कपड़ा हो, या फिर कुछ केमिकल का सामान हो, सभी मिल जाते हैं इस जगह में। ये है जू में भालू, उस दिन बहुत ही सामने आया था तो हमें अच्छा मौका मिला उसका वीडियो निकालने के लिए। तो जो दार्जिलिंग का जू है बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा है, और इसमें आप रेड पेंडा भी देख पाएंगे जो सिर्फ दार्जिलिंग में, इंडिया में सिर्फ दार्जिलिंग में देखने मिलता है। तो अगर आप कभी आए तो जू ज़रूर विजिट कीजिएगा और रेड पेंडा स्पेशली आप खोजिएगा।
ये है पापड़, और यहाँ पर जो हर एक वैरायटी का पापड़ मिल जाता है, साबूदाना का या आलू पोटैटो, जो जो पापड़ आपको चाहिए घर में या मेहमान आने के टाइम में देने के लिए, चिप्स सभी मिल जाते हैं यहाँ पर। तो मार्केट से ख़रीदने से अच्छा अगर आप वो ये खरीद लेंगे तो आपको फ़ायदा भी है, और गरम गरम आप फ्राई करके मेहमान को दे सकते हैं। ये ड्राई फिश का एरिया, सो हम नॉर्थ ईस्ट के लोग ड्राई फिश बहुत ही पसंद करते हैं चटनी में खाने के लिए या सब्जी में डाल के। ये दो बच्चे बहुत लड़ाई कर रहे थे, मुझे पता नहीं क्या चीज़ के लिए ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही फनी मोमेंट था। ये दार्जिलिंग में एक व्यू पॉइंट है मार्केट के ऊपर, वहाँ से जो हमने ये वीडियो लिया है आपको पूरा मार्केट का एरिया दिखाने के लिए। ये है अल्फ़ाबेट चिप्स, अगर आपको अपने नाम का अल्फ़ाबेट का चिप्स खाना है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। और ये मार्केट के अंदर ही बहुत सारे मोमो थुक्पा का दुकान है, और थोड़ा कम प्राइस में भी है। अगर आप कभी आएँ, आपको लोकल पूरा लोकल खाना है, तो इस मार्केट के अंदर ही बहुत सारे होटल्स है, छोटे छोटे है, बड़े बड़े नहीं है, आपको पहचाने में थोड़ा मुश्किल होगा। यही इमली, तो अभी दशहरे का समय में सब्जी का प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, तो होप दशहरे के बाद सभी घट जाएंगे। तो मैं हर दुकान में दाम पूछ रही हूँ, लेकिन मुझे दाम सुन के मुझे बहुत ही एक्सपेंसिव लग रहा है, तो मैं बस देख रही हूँ, और जब दाम ज़्यादा हो जाता तो मैं रिटर्न जा रही हूँ, क्योंकि जो मेरे घर के पास ही एक दुकान है वहाँ पर भी थोड़ा कम प्राइस में मिला जाता है, तो मैं वहाँ से ज़्यादातर लेती हूँ। लेकिन मार्केट में कोई कभी कभी कोई सामान हमें घर के पास नहीं मिलता तो मार्केट में मिल जाता है। तो ये सब जो बिहारी बंगाली ये सभी बेचते हैं, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी है क्योंकि दशहरे का कारण, नहीं तो दूसरे दिन थोड़ा कम ही प्राइस होता है, और थोड़ा बार्गेन करेंगे तो थोड़ा कम भी कर देते हैं। तो हम यहाँ पर पॉपकॉर्न ले रहे हैं मकई, क्योंकि हम ज़्यादातर वो एक्टू का खरीदते हैं, तो उसमें थोड़ा केमिकल होता है। ये जो मकई है बहुत ही नेचुरल है, आपको जैसे आप एक्टू को फ्राई करते हैं वैसे इसे फ्राई करना है, और ये पूरी पॉपकॉर्न और एक्टू से ज़्यादा टेस्टी होता है। आप जैसे बटर मिक्स कर सकते हैं जब आप इसे फ्राई करेंगे।
जो मैंने आपको कहा था कि लोकल मार्केट यहाँ से जो लेडी लोग बैठे हैं ये सभी लोकल आइटम बेचते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है लेकिन सब ऑर्गेनिक है। तो ये डल्ले खुरसानी मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में आपको कहा था कि डल्ले खुरसानी बहुत ही लोकल है, ऑर्गेनिक है और स्पाइसी भी है बहुत, टेस्ट में थोड़ा यूनिक है दूसरी मिर्चियों से। मशरूम खुद ही हार्वेस्ट करते फार्म करते हैं उसे बेचते हैं, तो इस जैसे इस तरह के लेडीज़ होते हैं वो लोग बहुत लोकल सामान बेचते हैं। ये एक दुकान है, इसमें सभी टिबेटियन भूटान के सभी लोकल जो खाने का आइटम है मिल जाएगा यहाँ पर, छुरपी गुंदरुक जो भी नेपाली लोगों का लोकल सामान है वो मिल जाएगा। जैसे मिठाइयाँ होती है जो लोकल तरीके में बनाया जाता है, पैकेट में 20-30 रुपये में आपको मिल जाएंगे छोटे छोटे पैकेट में। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे जो खाने का आइटम है, तो मुझे बहुत पसंद है इस दुकान में आने के लिए और सामान को लेने। तो हम बाज़ार के बाहर निकलने वाले हैं, तो बाज़ार के बाहर में आपको कपड़े का दुकान भी मिलेगा, जूते का दुकान भी मिलेगा कि ये मार्केट में सभी सामान मिल जाते। तो दार्जिलिंग में ज़्यादातर ठंडी होते तो स्वेटर जैकेट बहुत ज़्यादा बेचते हैं लोग, और बहुत ही अच्छा अच्छा जो डिज़ाइन का होता है या कंपनी का तो नहीं होता है ब्रांड का, लेकिन अच्छा होता है कि लोग लगा के अच्छा देखते हैं इसमें। तो हम बाहर निकल के आए हैं अभी, ये है एवोकाडो। तो एवोकाडो का प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन यहाँ पर ही दार्जिलिंग में ही प्लांट करते हैं इसे, तो अगर आप मार्केट में लेने जाए तो 400-300 किलो होता है, लेकिन यहाँ पर 200 किलो का है। तो ये दार्जिलिंग का बाहर का दार्जिलिंग के मार्केट का बाहर का एरिया है अभी। हम फिर से वही रास्ते जा रहे हैं जहां से गाड़ी मिलता है, भेजते हैं। सो थैंक यू सो मच आज हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।